बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर। मैं आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स रोज़ाना में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है, जॉब्स के हवाले से जो भी कोई नई मालूमात आती हैं, वो मालूमात मैं डेली आप लोगों के साथ अपने चैनल में शेयर करता हूँ और मुकम्मल डिटेल देता हूँ कि आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो में जॉब के हवाले से एक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो भर्तियों की अनाउंसमेंट की जा चुकी है पंजाब के तमाम शहरों में, उसकी तफसीली मालूमात क्या हैं और आप लोग पंजाब के शहर से ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरियों के लिए। ज़बरदस्त किस्म की अनाउंसमेंट की जा चुकी है, हर शहर की नंबर ऑफ पोस्ट मौजूद हैं। सारी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इस तरह के वीडियोज़ आप डेली देखना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जॉब से रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं और आप आसानी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो अब चलते हैं जॉब से मुतालिक तफसीली मालूमात लेने के लिए और अप्लाई करने का तरीका जानते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो भर्तियों की अनाउंसमेंट की जा चुकी है, उसके लिए आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, मुकम्मल तरीका क्या होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है। तो जॉब पर अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिंपली अपना कोई भी ब्राउज़र जो है वो ओपन करना है और उस ब्राउज़र के आप लोगों ने सर्च बार में आना है और वहाँ आकर आप लोगों ने टाइप करना है हमारी वेबसाइट का नाम, जॉब्स रोज़ाना JOBS। उसके बाद आप टाइप करेंगे रोज़ाना JOBS ROZ ANA। जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब रोज़ाना टाइप करेंगे और आप इसको सर्च करेंगे अपने ब्राउज़र में, तो गूगल में सबसे ऊपर जॉब रोज़ाना लिखा हुआ आएगा। आप लोगों ने जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग जॉब रोज़ाना के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसका नाम है जॉब रोज़ाना। और इस वेबसाइट पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान भर की इलातदाद नौकरियाँ मौजूद होती हैं और अप्लाई करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा से ही आप लोगों के लिए काम आएगा इंशाल्लाह। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जॉब 2022 की काइट पंजाब 2022 अप्लाई ऑनलाइन। तो आप लोग जॉब के इस टाइटल के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। सिंपली दोस्तों जैसे ही आप जॉब के इस टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस जॉब से रिलेटेड जो भी तफसीली और मुकम्मल मालूमात हैं, इन तमाम मालूमात की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। अब आप लोग अगर इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग आसानी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग जान सकते हैं कि हम लोग इस जॉब के लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो यहाँ से डिटेल्स आपके सामने मौजूद हैं, इन डिटेल्स को आप लोग फॉलो करें और इस डिटेल्स के मुताबिक आप लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। यहाँ पर ये मौजूद है और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, चाहे वो मर्द हों या वो खवातीन हों। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि अटक में 12 पोस्ट हैं, भावल नगर में 10 हैं, भावलपुर में भी 12 हैं। मतलब इस तरह आप लोग अपने शहर के लिहाज से नंबर ऑफ पोस्ट को जो है वो क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जॉब की अनाउंसमेंट डेट आज ही के दिन की गई, अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अप्रैल है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन जो है वो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल जॉब्स हैं, 288 जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट है। पंजाब के किसी भी शहर का डोमिसाइल होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी इसकी जॉब्स हैं और ये फुल टाइम की जॉब्स हैं। तो दोस्तों अब आप लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे वो तो होगा सारा का सारा ऑनलाइन, और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए कि वाकई में जॉब की अनाउंसमेंट की जा चुकी है। तो आप लोग अप्लाई ऑनलाइन के बटन के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग आएंगे, प्ले सेलेक्ट करेंगे, IT स्किल मास्टर ट्रेनिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। तो आप लोग ओपन एप्लीकेशन फॉर्म को लिखेंगे, यूअर नेम लिखेंगे, फादर नेम, CNIC डेजिग्नेशन लिखेंगे, तो ये आप ऑप्शन में भी छोड़ सकते हैं, डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट इफ एप्लीकेबल, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग लिखेंगे कहाँ पर आप लोग जॉब करना चाहते हैं। मतलब इस फॉर्म को आप लोग फिल करेंगे इसके अंदाजे के मुताबिक और यहाँ से कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है आप देंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप लोग यहाँ पर देंगे, मैट्रिक की, उसके बाद देंगे इंटर की, उसके बाद देंगे बैचलर की, उसके बाद देंगे मास्टर्स की, अगर MPhil है तो उसकी, और उसके अलावा अगर कोई आप लोगों ने डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पर आप लोग उसको ऐड कर सकते हैं। BEd की डिग्री है तो वो भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों की कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, आप लोगों ने कहीं पर भी जो है वो काम किया, तो उसके बाद जो है दोस्तों आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जी हमने कितने साल काम किया उसके एयर्स को, और कंप्यूटर का अगर आपको डिप्लोमा है तो वो भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरी डिटेल्स भी हैं दोस्तों, यहाँ से आप लोग एक्सपीरियंस वगैरह अपना ऐड करके, और टोटल नंबर ऑफ पब्लिकेशंस कितनी है, मतलब आप लोगों ने अगर कोई रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करवाया है तो उसका यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, ऐड पब्लिकेशन आप लोग कर सकते हैं, जो भी आपका रिसर्च पेपर होगा यहाँ से आप लोग उसको वो ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपलोड फोटो, अपलोड
फोटो इमेजेस अपना तस्वीर आप लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे, अपलोड लास्ट डिग्री आखिरी डिग्री आपकी जो होगी वो अपलोड करेंगे, आई सर्टिफाई दैट इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इन दिस फॉर्म इज करेक्ट, उसके बाद ये करेक्ट होगा। तो इसके ऊपर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, तो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल हो जाएगा बआसानी घर बैठकर। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला आए, आप लोगों को अप्लाई करने में प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और घर बैठकर नौकरियों की मालूम लेने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और अच्छी सी जॉब के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।